हम कहते कि आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, लेकिन उस रोड जाम करने के अंदर हम लोग 5000 तो उसमें से 5 या 50 आदमियों को पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। सही से ऑर्गेनाइज हम लोग का भी नहीं है, टीम वर्क हमारे पास नहीं है। साथियों, 5 मिनट का समय मिला है और इस 5 मिनट को हम पूरा उसी प्रतिक्रिया में लगाएंगे कि जो आंदोलन में जो स्पीच हमें काम आएगी, आंदोलन में जो हमारा फिजिकल जो स्पोर्ट चाहिए, हमें ग्रेनेड नहीं चाहिए, हम लोगों को अपने माइंड को बम बनाना है। ग्रेनेड अपने आस पास पड़ोस के जितने लोग हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सबसे पहले उनको मूवमेंट के बारे में बताएं कि आखिर हमारे कौन से अधिकार की हम बात कर रहे हैं, हम अपने कौन से अधिकार को बचाने के लगे हैं और इस अधिकार को छीन जाने से हमारे हमें क्या क्या हानियां पहुंचेगी, या इस अधिकार को जब हम बचा लेते हैं तो इसके लाभ क्या होंगे। तो साथियों, ये ट्रेनिंग का टाइम है, आंदोलन का टाइम है। कोई भी जंग बिगर ट्रेनिंग के नहीं जीती जा सकती, कोई फौज बिगर ट्रेनिंग के नहीं संपूर्ण होती है, आप समझ के चलना इस चीज को। मैं सभी अपने नेतागण, सभी एनजीओ के नेशनल चेयरमैन से और सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने समाज में अपने भाइयों को पहले ट्रेनिंग दें, हम लोग उनको ये बताएं कि आखिर हम किस अधिकार की बात कर रहे हैं और हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ है। अगर आज हम लोग ऐसे एक सीट जाने के लिए और यह एकजुट है, तो जब से देश आजाद हुआ है 1947, तो ये इतिहास आपको पता होगा इस 70 सालों का, हम तो 4000 सालों से ऐसे ही हमारे एक्ट छीने जाते हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हम क्यों भूल गए उन कुर्बानियों को, हम क्यों भूल गए अपने पूर्वजों के अपमान को, जो गले में हांडी डाली जाती थी, पीठ पर झाड़ बांधी जाती थी। साथियों, अगर क्रांति करनी है तो पहले दिमाग को और जिस्म को मजबूत करना पड़ेगा। क्रांतिकारी बनना एक स्पीच देने से क्रांतिकारी नहीं आती है चीजें, क्रांतिकारी बनना है तो पहले माइंडली मजबूत होना है आपको, मिशन को, इसको आंदोलन को मिशन बनाना पड़ेगा और एक एक साथी को सिपाही बनाना पड़ेगा, और जो सिपाही बनने के लिए आंदोलन वही लड़ सकता है। भेड़ चाल से आंदोलन नहीं लड़े जाते हैं, भीड़ करने से हमारी सुख सुविधाओं का आनंद हमें नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें ट्रेनिंग लेनी होगी, जंग में उतरने से पहले हथियार तैयार करने होंगे। मैं फिर आपको पहले उस बात को दोहराता हूँ, मैंने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं और इस दलित परिवार से हूँ तो संघर्ष करके ही मंच तक पहुंचा हूँ। और आज पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। 2 अप्रैल को भी हम लोगों ने पूरा दिन में देखता रहा, टीचर जगह हम लोग गए भी, वहां पर भीड़ का हिस्सा भी बने, लेकिन जो पकड़ा जाता है तू कैसे आया यहाँ पे, अगर पुलिस ने पकड़ा तो उसको पता नहीं क्या करने आया वो। तुझे पता होगा कि मेरे पूर्वजों की, मेरे जमीन की, मेरे देश की, मेरे परिवार की यहाँ पर इंसल्ट होने का, बेइज्जती होने का, हमें दरों पर और हमें मंदिरों में जाने से मना करने पर, और बहुत सारी चीजें हैं साथियों, बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, जितनी महिलाएं, जितने युवा साथी हमारे साथ हैं, आप जाएं और इस मंच के माध्यम से आपसे एक ही अपील है और इस संस्था को भी एक अपील है कि सबसे पहले हमारे साथियों को हम ये बताएं कि हम लोग किस लिए करते हैं। और जिस दिन आपको ये सब पता लग जाएगा, उस दिन ये क्रांति, ये 200 2000 नहीं, ये 20 लाख क्रांतिकारियों की क्रांति होगी, और उस दिन हमें मंच पे भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए मंच भी लगेगा, आपकी सुख सुविधा होगा, ख्याल भी रखा जाएगा और यही सरकारें रखेंगी। आज स्कूल के अंदर क्या व्यवस्था है दलितों के लिए, ये सब जानते हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा इसको। हॉस्पिटल्स में क्या सुविधाएं हैं और थाने में क्या सुविधाएं हमारे लिए, हम सब जानते हैं। उन लाठियों से, उन गालियों से पहले तो सरकार कहती थी, पहले ब्राह्मण मनुवादियों के जहन में बात होती थी, एक गंदगी उनके दिमाग में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये छूट दे दी,
कि जो तुम्हारे दिमाग में गंदगी है दलित शोषित करने के लिए सोचने के लिए, आप उसको बोल भी सकते हो और आपके ऊपर कोई एक्ट नहीं, कोई आईपीसी नहीं, कोई हवालात नहीं। तो साथियों, ये लड़ाई हमारी पूरे देश की लड़ाई है। आप सिर्फ ट्रेनिंग लेने का काम करें और जो जितने यहाँ मंच पे सभापति बैठे हैं इनको आप समझें, और यहाँ से जाने के बाद इस आंदोलन को अगर तेज करना है, अपना एक्ट बचाना है, अपने संविधान बचाना है, बाबा साहब को अमर रखना है, तो आप समझ लेना कि आपके साथ अत्याचार कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा, आपको समझने की जरूरत है। धन्यवाद। जय भीम।